ये इतना तगड़ा फीचर इस प्रोजेक्टर के अंदर दे दिया ना, मतलब मैंने पहले देखा ही नहीं इस तरह का फीचर। और यहाँ देखो आप, 4K में चल रही है वीडियो, यहाँ पे डे लाइट है, खिड़की से रोशनी आ रही है, ये लो लाइट भी ऑन कर दी। अब देखो इसकी क्वालिटी मस्त, HDMI के लिए डेडिकेटेड पोर्ट दे रखा है, गेमिंग करनी हो मजा आ जाएगा। फीचर्स इसमें कमाल के हैं बहुत सारे, आज तक का बेस्ट प्रोजेक्टर है ये। ये प्रोजेक्टर जिसको लेना है उसके लिए भी बढ़िया है ये वीडियो, जिसने नहीं लेना वो एक्सपीरियंस करो मेरे साथ इस वीडियो में, स्किप करोगे ऐसी चीज दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो यार इस प्रोजेक्टर का बॉक्स ही कितना बड़ा है, तो आप समझ सकते हो दमदार चीज है इसके अंदर में। ये प्रोजेक्टर आपकी दीवार पे आपको सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस दे देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BR Tech Films और ये है Zebronics का Pixaplay 28 और बजट में आज तक का बेस्ट प्रोजेक्टर है। बजट की बात क्या है आगे बताऊंगा। Netflix, YouTube और Prime Video की ब्रांडिंग हो रखी है, Dolby Audio को सपोर्ट करता है, बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के डायरेक्टली HDMI ARC का कनेक्शन आप ले सकते हो। बॉक्स की क्लोजर लुक ये रही, यहाँ पे प्राइस 70-75 हज़ार रुपये लिखा है, लेकिन आपको ये काफी कम रेट में मिल जाएगा क्योंकि सेल का टाइम है ना। तो प्राइस की बात भी कर लेते हैं, अच्छे प्रोजेक्टर स्टार्ट ही 20,000 से होते हैं और ये प्रोजेक्टर 30,000 रुपए का था बोल रहा हूं क्योंकि अभी सेल का टाइम चल रहा है, इसका प्राइस कम हो चुका है। Amazon पे Kickstarter डील चल रही है, इसका ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहीं से लेना, ऐसा ना हो कि आप कुछ और प्रोडक्ट ले लो, मैं दिखा जो रहा हूं यही लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्राइस इसका करंटली 25,000 है, बाद में चेंज हो सकता है। तो आओ मैं इसको इतना बेस्ट क्यों बोल रहा हूं, पहले जानते हैं सारी चीजें इस प्रोजेक्टर के बारे में, फुल टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो भाई साहब यहाँ पे प्रीमियम बातचीत चल रही है, प्रोजेक्टर मिलेगा आपको, साथ में मिलेगी लेंस कैप भी इसी प्रोजेक्टर के बॉक्स के अंदर में, और इसी के साथ में आपको मिलने वाली है एक पावर कॉर्ड, इसको डायरेक्टली आप बिजली में लगाइए ये चालू हो जाएगा। साथ ही में आपको मिलता है यहाँ पे एक HDMI का केबल, यानी कोई डिवाइस कनेक्ट करना हो ऑप्शन है आपके पास में। उसके अलावा मिलता है आपको एक पेपर, इसको स्कैन करेंगे तो यूजर मैनुअल आपके फोन पे डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही में मिलती है एक क्लीनिंग किट, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं क्लीन कैसे करना है, 4-5 कितने शायद कॉटन स्वैप दे रखे हैं यहाँ पे, और एक क्लीनिंग क्लॉथ भी यहाँ पे दे रखा है बॉक्स के अंदर ही। ये फोटोज देख लो आप, ये रात के 2:30 बजे की है, दबा के टेस्टिंग करी है मैंने इसकी रात भर में, और अब शूट कर रहा हूँ ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन मिलता है। इसके अंदर में आपको 9000 लूमेंस देखने को मिलते हैं, 508 सेंटीमीटर तक की स्क्रीन बनाया था, यानी कि तकरीबन 200 इंच की स्क्रीन पे आपको बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये एक फुल HD प्रोजेक्टर है लेकिन 4K को सपोर्ट करता है। साथ ही में इसमें जो इनबिल्ट Netflix और Prime Video दे रखा है उसको भी आप हाई क्वालिटी में एंजॉय कर पाएंगे। तो सिनेमा में जाते हो आप मूवी देखने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर सेकंड डे थर्ड डे पे आप देखते हो, लेकिन डेली अगर OTT एंजॉय करना है घर पे बड़ी स्क्रीन पे, इस प्रोजेक्टर में आप एंजॉय कर सकते हो। वैसे तो इसमें स्पीकर काफी अच्छे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 HDMI के पोर्ट्स मिलते हैं जिसकी मदद से एक HDMI का जो पोर्ट है वो ARC को भी सपोर्ट करता है। तो अपना साउंड बार आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको कनेक्ट करके भी आगे दिखाऊंगा। 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, सुनने में कम लग रहा है ना, Zebronics नंबर्स कम ही लिखता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो में, लेकिन लूमेंस यहाँ पे ज्यादा बताए गए हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग हम आगे करेंगे कितना ब्राइट है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में किसी भी तरह की मुझे कमी नहीं लगी, मैंने इस रेंज में और भी प्रोजेक्टर्स का रिव्यू किया है, ये काफी ज्यादा ब्राइट है। और हाँ, ये एंड्रॉइड प्रोजेक्टर नहीं है, इसमें 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज मिलती है, ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है, डॉल्बी ऑडियो को ये सपोर्ट करता है, क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। इसका जो रिमोट कंट्रोल है ये ब्लूटूथ पे भी काम करता है और इंफ्रारेड पे भी, यानी रिमोट को आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में इस प्रोजेक्टर के अंदर में आपको ड्यूएल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है, तो हाई स्पीड वाईफाई 5G वाले से कनेक्ट अप करेंगे काफी स्मूथली यहाँ पे जो है ये काम करता है। अब टेबल पे इसको रखेंगे तो टेबल पे हाइट एडजस्ट करने के लिए स्क्रू दे रखा है यहाँ पे। सीलिंग पे अगर आपको इसको माउंट करना है तो ये रबड़ पैडिंग्स को आप हटा सकते हो, सीलिंग माउंट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही में सेंटर में आपको ट्राइपॉड माउंट का ऑप्शन भी दे रखा है, एक डस्ट फिल्टर दे रखा है बड़ा सा, डस्ट फिल्टर के ऊपर लिखा हुआ भी है इसको डेली साफ करो, डेली हाथ मुंह तो धोते हैं ना, डस्ट फिल्टर को डेली साफ कर लेना, प्रोजेक्टर की लाइफ बढ़ जाती है। और ये काफी सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोजेक्टर की लाइफ आपके हाथ में भी है। इस साइड में आपको मिल जाएंगे इसमें स्पीकर कितने वाट के नहीं पता, लाउड लिखा हुआ है, मैंने जब इसकी टेस्टिंग करी तो तकरीबन 10 वाट के स्पीकर से जैसी साउंड आती है वैसा परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं। दूसरी साइड में आपको हीट सिंक वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो पूरा वेंट वाला एरिया दे रखा है इस तरफ में। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ में मिलेगा पावर का पोर्ट जहां पावर केबल लगने वाली है आपकी, ऊपर की तरफ में आपको मिलेंगे 2 USB के पोर्ट, अपने हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है, पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, उसमें कुछ आपका कंटेंट है उसको प्ले करना है, डायरेक्टली प्ले कर पाएंगे।
HDMI के दो पोर्ट हैं, दोनों पोर्ट इनपुट को तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो HDMI 1 वाला पोर्ट है उससे HDMI आउट ले सकते हैं आप किसी भी ऑडियो डिवाइस पे, यानी कि HDMI 1 ARC को सपोर्ट करता है। बाकी लास्ट में 3.5mm का आपको ऑडियो जैक भी मिलता है और IR सेंसर यहाँ पे दे रखा है, और ऊपर की तरफ से आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक सिंगल बटन और उसके अलावा ज़ेब्रोनिक्स पिक्सल प्ले 28 की ब्रांडिंग और डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है ऊपर की तरफ। व्हाइट कलर में काफी ज्यादा सुंदर लगता है ये प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे ऊपर एक पावर बटन है जिसपे ब्लू लाइट जलती है, जैसे ही प्रेस करेंगे प्रोजेक्टर ऑन होगा, लाइट ऑफ हो जाती है। ये रहा प्रोजेक्टर, सामने व्हाइट वॉल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है, अलग अलग सिचुएशंस में आपको इसको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा मैं। ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन ये अपने आप ले लेगा, प्रोजेक्टर को सेंटर में रखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर ब्लर का इशू इस प्रोजेक्टर में आपको नहीं मिलने वाला। अब इसके अंदर जितनी भी एप्स दे रखी हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या प्राइम वीडियो या यूट्यूब किड्स, ये सारी ऑफिशियल एप्स हैं। साथ ही में ये एंड्रॉइड प्रोजेक्टर नहीं है, इसमें आपको ऐप स्टोर मिलेगा। मैंने ऐसा ही एक प्रोजेक्टर ZATCO का किया था रिव्यू, उसके अंदर मैं आपको लाइनक्स OS देखने को मिलता था, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। ऑटो फोकस फटाफट ले लेता है, बाकी आप चाहें तो रिमोट से भी इसके फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं अगर संतुष्टि आपको नहीं मिली तो। अब मैंने इसको अपने 5 GHz वाले वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, ये सारी ऑफिशियल ऐप्स हैं। अब इसके अंदर में सबसे पहले हम स्क्रीन कास्ट को टेस्ट करने वाले हैं, उससे पहले कॉर्नर ब्लर नहीं होते उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ओपन कर दिया है, कॉर्नर ब्लर यहाँ पे इश्यू नहीं मिलेगा, काफी ब्राइट है। मैंने अपने जो है एंड्रॉइड फोन से इसकी स्क्रीन को कास्ट किया है, दोनों ही डिवाइस मेरे सेम वाईफाई से कनेक्ट है तो सेम वाईफाई कनेक्ट होने चाहिए, स्क्रीन कास्ट बहुत स्मूथ है। ये जो रिमोट है इस पे आपको हॉटकीज मिलती है Netflix, YouTube और Prime Video की, तो डायरेक्टली आप एक बटन की मदद से Netflix, Prime Video या YouTube को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे सेटिंग की बात करें तो ब्लूटूथ की सेटिंग मिल जाएगी, इनपुट HDMI में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी ये HDMI CEC का ऑप्शन भी मिलता है, पिक्चर का मोड भी आपको इसमें मिलता है, ऑटो कीस्टोन, मैनुअल कीस्टोन, ये सारे आपको ऑप्शंस इसकी सेटिंग में देखने को मिलते हैं। बाकी जूम इन जूम आउट करना है, स्क्रीन को छोटा या फिर बड़ा करना है, तो वो सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो अपने हिसाब से आप स्क्रीन को एडजस्ट यहाँ पे कर पाएंगे। साथ ही में जायरोस्कोप कैलिब्रेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे पिक्चर कस्टमाइजेशन भी आपको मिल जाता है, कुछ प्रीसेट हैं, बाकी अपने हिसाब से छेड़छाड़ करनी हो वो ऑप्शन भी मिलता है। इसी तरह से साउंड में भी आपको कुछ प्रीसेट मिल जाएंगे और कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी नेटफ्लिक्स का वर्जन ये रहा, इसका जो इनबिल्ट यूट्यूब है उस पर 1440p 60 HDR आप प्ले कर सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस मैंने कनेक्ट किया तो 2160 FPS पे प्ले हो जाता है। रिमोट पे ये वाला बटन अगर आप दबाएंगे कंटेंट प्ले करते टाइम तो डायरेक्ट आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, जहां पिक्चर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रीसेट्स चेंज कर सकते हैं, साउंड में भी आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कंटेंट देखते देखते ही आप पिक्चर कस्टमाइज कर सकते हैं, बाकी ये ऑटो फोकस वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। कलर्स काफी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट इसका काफी अच्छा है, अगर आप मूवीज वगैरह देखेंगे ना OTT पे हाई क्वालिटी में यहाँ पे प्ले होने वाली है मूवीज, और आप बढ़िया क्वालिटी में अपना जो है कंटेंट उसको एंजॉय कर पाएंगे। 200 इंच तक की स्क्रीन आराम से आप यहां पे खींच सकते हैं। बाकी ये मेरा चैनल है, मैं यहां पे आपको तरह तरह के गैजेट्स दिखाता हूं, तो अपडेटेड रहिए, नए नए गैजेट्स मार्केट में क्या आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके इनबिल्ट साउंड सैंपल सुनाता हूं आपको, ये सुनिए एक बार। अटैचमेंट इसके साथ में 3 आते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं हमें बॉक्स के अंदर, और सबसे पहले काम करते हैं इसकी बैटरी को उठाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीकर जो है इसका, मैंने अभी आपको सैंपल सुना, स्पीकर इसका लाउड है और ये वीडियोस दीवार पे प्ले हो रहे हैं, दीवार मेरी व्हाइट कलर की है, ये सैंपल की क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैंने 30,000 रुपए के प्रोजेक्टर और भी रिव्यू किए हैं, ब्राइट होते हैं, ये मुझे और भी ज्यादा ब्राइट लगा। और याद रखना इसका ऑफिशियल प्राइस 30,000 है, लेकिन ये 25,000 में अभी मिल रहा है डील में फेस्टिवल सेल की वजह से। अब मैं दूसरे रूम में आ गया हूं, यहां प्रोजेक्टर स्क्रीन मैंने लगा रखी है, खिड़की से डायरेक्टली रोशनी आ रही है, ऑटो फोकस ये अपने आप ले रहा है, थोड़ा मैं कैमरे के फोकस को एडजस्ट कर लेता हूं, और ये अब प्रोजेक्टर स्क्रीन पे डे लाइट में इस तरह की क्वालिटी आपको ये प्रोजेक्टर देने वाला है, अंधेरे की जरूरत यानी कि नहीं है आपको। मैं एक बार यहां पे लाइट को भी आपको जला के दिखाता हूं, एक ट्यूबलाइट है पीछे, इसे ऑन कर दिया है, और अब आप देखो लाइट ऑन करने के बाद में आप अगर प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हो, जगह की मेरे पास में थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं पूरा यहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं स्क्रीन पे, इस तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी। ये सैंपल लाइट में प्ले हो रहे हैं और खिड़की से भी रोशनी आ रही है, तो क्वालिटी आपके सामने है। बाकी इसके अंदर जो ऐप स्टोर है ना, इसमें आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी, ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और स्टिल आपको यहां पे कोई और डिवाइस कनेक्ट करना है तो HDMI का ऑप्शन तो आपके पास में है ही। अब बात करेंगे मेन चीज, गेम भी खेल सकते हो आप इस पे, गेम कंसोल भी ऐड अप कर सकते हो, इनबिल्ट गेम्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसके ऐप स्टोर से। ये वाला साउंड बार HDMI ARC को सपोर्ट करता है, इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, ये ज़ेब्रोनिक्स का ही है, इसमें साउंड एडजस्ट का मोड है, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं।
अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो प्रोजेक्टर के इनबिल्ट स्पीकर से आ रही है, ठीक है? इसको आप पहले सुन लो। VR टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे साउंड बार को कनेक्ट और वॉल्यूम को कम ज्यादा करके दिखाऊंगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कमेंट में आके बोल देंगे कि भाई तुमने साउंड बार दिखाया उसमें HDMI ARC का डिस्प्ले नहीं आ रहा था, इस साउंड बार में डिस्प्ले नहीं है, मेरे पास FND वाला दूसरा साउंड बार है उसको कनेक्ट करता हूँ, वॉल्यूम को भी बड़ा घटा के दिखाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्टर के रिमोट से, ये देखिए। Amazon त्योहार बनाए और भी फैशनेबल जीने के लिए तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि देखो इसके अंदर जो एप्स आपको मिल रही हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, वो सारी ऑफिशियल एप्स हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, इवन यूट्यूब किड्स भी। दूसरी बात, आपको इसमें कोई फायर टीवी स्टिक वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्राइम टीवी देखना है इस पे, प्राइम वीडियोस देखने हैं आपको इस पे, हाई क्वालिटी में डायरेक्टली प्ले हो जाएंगे तो आपका पैसा बच जाएगा स्टिक का। फिर भी आपको अगर स्टिक कनेक्ट करनी है आप ले सकते हैं, और भी कुछ OTT ऐप्स हैं जो इसमें आप प्ले कर पाएंगे स्टिक की मदद से या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की मदद से। अगर आपको घर में होम सिनेमा सेटअप करना है फिर उसमें आपको HDMI ARC से साउंड बार को कनेक्ट करना होता है, तो HDMI 1 वाला जो ऑप्शन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों को सपोर्ट करता है, तो HDMI 1 वाला जो पोर्ट है उसमें अपना साउंड बार आप कनेक्ट करके इजीली यहां पे अपना जो है सिस्टम कनेक्ट कर पाएंगे, और बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के एक तो हाई क्वालिटी कंटेंट भी प्ले हो जाएगा और आपका स्पीकर भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 है तो ब्लूटूथ से अपने आप स्पीकर्स, एयरफोन्स, हेडफोन्स कुछ भी आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के अंदर में आपको 30,000 आवर्स की लैंप लाइफ मिलती है, यानी कि 30,000 घंटे तक इसका लैंप जो है चलने वाला है, एक साल की वारंटी आती है प्रोडक्ट पे। मैं वही बात कहूंगा, काफी सारे वीडियोस में मैं बोल चुका हूं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हो तो यार उसकी केयर आपको करनी चाहिए। काफी सारे मेरे खुद के ऐसे दोस्त हैं जो 6-6 महीने तक मोबाइल का कवर नहीं निकालते, उसके बाद में कईयों का चार्जिंग पोर्ट खराब हो जाता है डस्ट की वजह से और फोन के बैक साइड में स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसको डेली आप साफ कर सकते हो, हाथ में तो धोते हो ना, फिल्टर इसका डेली साफ करो, प्रोजेक्टर को क्लीन रखो, और हाँ ये प्रोजेक्टर ओवरहीट नहीं होता है, और क्योंकि ये डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है तो नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई डॉल्बी वाला कंटेंट देख रहे हो तो साउंड यहाँ पे म्यूट नहीं होगी। प्रोजेक्टर का खुद का स्पीकर भी काफी लाउड है, बाकी एक्सटर्नल स्पीकर तो मैंने आपको कनेक्ट करके बता ही दिया। आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर है 25,000 के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, याद रखना इसका प्राइस 30,000 है। फिलहाल में फेस्टिवल सेल है, डील में आपको ये 25,000 का मिल रहा है, बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं काफी तगड़े तगड़े गैजेट्स लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे, मिलता हूँ अगले वीडियो में।